चौथे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 13 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को डाले जाएंगे वोट। सीएम योगी का लगातार चुनावी दौरा, कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में आज करेंगे जनसभा। बिहार के बेगूसराय में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के नामांकन दौरे से पहले तैयारियों का वाराणसी में करेंगे समीक्षा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का चुनावी दौरा, रायबरेली जौनपुर के दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। रायबरेली और जौनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन की बैठक करेंगे अमित शाह। होटल ताज वाराणसी में होगी बैठक। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव की जनसभाएं, कन्नौज के छिबरामऊ कस्बे में अखिलेश यादव की होगी पहली जनसभा। आज शाम 5 बजे से बंद हो जाएगा चुनावी प्रचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी दौरा, झांसी, जौनपुर, बहराइच और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। बहराइच में करेंगे रोड शो, लखनऊ में पर्वतीय समाज सम्मेलन में करेंगे संबोधित। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से सीएम केजरीवाल आए बाहर, आज हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद पार्टी ऑफिस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत, 1 शिकायत खारिज की। सीतापुर में युवक ने मां को मारी गोली, हथौड़े से ली पत्नी की जान, 3 बच्चों को छत से फेंका। 5 कत्ल के बाद सनकी युवक ने खुद को मारी गोली, की आत्महत्या। झांसी में भीषण सड़क हादसा, डीसीएम और कार की आमने सामने टक्कर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान, परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नोएडा में तेज आंधी के दौरान हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग की मरम्मत की लगाई गई शटरिंग गिरी, शटरिंग के नीचे दबने से 4 लोग घायल। श्रावस्ती पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4,50,000 गई 41 पाइप बरामद की गई। प्रधानमंत्री मोदी के हर घर नल योजना की पाइप को चोरों ने बनाया था निशाना, पाइप के साथ 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद के दौरान हुआ पथराव, 2 लोग घायल, कई बाइक पथराव में क्षतिग्रस्त। इटावा में पति पत्नी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या, पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने की आत्महत्या, अभी तक हत्या का कारण पता नहीं चल सका। फतेहपुर में दुल्हन को मायके छोड़कर दूल्हा हुआ फरार, ससुराल वाले घर में ताला लगाकर भागे दुल्हन, पुलिस अधिकारियों से न्याय दिलाने की कर रही मांग। श्रीनगर में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ में पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग हुआ बंद, दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 23,57,393 हुआ पंजीकरण, केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पंजीकरण, 23 लाख के पार पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा। उत्तराखंड में आज से बारिश के आसार, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अलर्ट किया जारी, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम हुई बारिश, जंगलों में लगी आग बुझी, चारों तरफ फैला धुआं साफ हुआ। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी के फंदे से लटकता मिला भाई बहन का शव, दोनों भाई बहन का डिप्रेशन में चल रहा था इलाज, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस के साथ अमेरिका का युद्धाभ्यास, एक्सरसाइज के तहत एक शिप को डुबाया, चीन ने अभ्यास पर आपत्ति जताई।
सऊदी अरब के वीरान रेगिस्तान में नया शहर बसाने की हो रही तैयारी। एनईओएम प्रोजेक्ट के विरोधियों को मारने का दिया आदेश। इसराइल से जुड़े जहाज पर सवार 5 भारतीय नाविक रिहा। तेहरान से ईरान के लिए हुए रवाना। भारतीय दूतावास ने कहा, बंदर अब्बास में दूतावास और भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय के लिए ईरानी अधिकारियों को धन्यवाद। यूक्रेन ने युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के केंद्र में हो रहे 2 वरिष्ठ मंत्रियों को बर्खास्त किया। सांसदों ने बहुमत से उप प्रधानमंत्री ओलेक्जेंडर कुब्रा को और कृषि मंत्री माइकोला सोलस्की की बर्खास्तगी पर मुहर लगाई। मालदीव से सभी भारतीय सैनिकों की वापसी। विदेश मंत्री ने भारत दौरे के दौरान की घोषणा। मोइजू ने 6 महीने पूरा किया इंडिया आउट एजेंडा। ऑस्ट्रेलिया बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, चारधाम